हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक न्यूमेरिकल पोर्शन। इससे पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल पोर्शन यूनिट नंबर 1 के ऊपर डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी एक बेसिक आइडिया लेना है तो आप उस वीडियो से भी रेफर कर सकते हैं। रेफर कहाँ से करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, चैनल पर क्लिक करना है, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके आप हमारे यूनिट वाइज, ठीक है, सारे चैप्टर वाइज लिंक पड़े हुए हैं, उस पर आपको यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सर्च करना है। आपको ये जो कहीं ना कहीं वीडियो है न्यूमेरिकल वाला, वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर कोई और भी टॉपिक अगर आप छूटा हुआ है तो आप उससे कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। ये आपको एक सर्किट दी हुई है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए, बीच में एक डायोड्स भी आ रहे हैं और एक रजिस्टर आ रहा है। इस पॉइंट के अबाउट हमें वी नॉट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी डायरेक्टली बीच में रजिस्टर आ जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले करंट आईडी निकालेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी 10-0.3 माइनस जर्मेनियम का अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, -0.3 का होता है, या 0.3 का होता है कह सकते हैं ना, माइनस का नहीं 0.3 का होता है। क्लियर हो गया, दैट इज अ कट इन वोल्टेज। कैसा है, कट इन वोल्टेज। तो सिलिकन के अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, -0.7 होता है सिलिकन का। अगेन 1 के आईडी मैंने करंट मान लिया, तो 1-1 के इनटू आईडी, केवीएल लगा रहे हैं हम तरीके से। ये क्या लगा रहा है, ये हमारा अप्लाई केवीएल, यहाँ पे हम लिखते हैं अप्लाई केवीएल, तो ये केवीएल अप्लाई हो रहा है। तो 10-0.3 -0.7 -1 के इनटू आईडी, अगेन 2 के लिए भी लगेगा, तो -2 के इनटू आईडी। क्लियर हो गया, इस तरीके से हमारे पास आईडी की वैल्यू आ जाएगी 9/3 के। अभी के क्या है, के ये दिखा रहा है कि इतने किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, और किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है मतलब ये हो जाएगा 3×10³। ये एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर न्यूमेरिकल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, कि 9/3 के क्या है, 3×10³। 10³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, तो 9/3 3×10⁻³ एम्पियर्स हो जाएगा। बट 10⁻³ को अगर मैं हाइड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, मिली एम्पियर। तो इसलिए 3 mA भी हम उसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3×10⁻³। क्लियर हो गया, अब मुझे क्या निकालना है, इस वी के अक्रॉस करंट निकालना है, वो वोल्टेज निकालना है। तो इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट कैसे निकलेगा, I into R से, तो I into R हमने सिंपली कर दिया। I हमारे पास क्या है, ID फ्लो कर रहा है, तो ID into R ऐसे कर सकते हैं, तो 3×2 हो गया, दैट इज 6 वोल्ट। क्यों हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस किस में है, किलो ओम में, और ये किस में है, मिली एम्पियर में। तो मिली और किलो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, हैंस जो हमारा आंसर आया वो वी नॉट का, वो वोल्टेज की टर्म्स में आया, वो कोई भी मिली वोल्ट किलो वोल्ट में नहीं गया है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था। अब आप सोचेंगे मैं इसी से क्यों निकाला, मैं इससे भी निकाल सकता था, इससे नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी भी ग्राउंडिंग पॉइंट से नहीं कनेक्टेड है, किसी भी ग्राउंडिंग। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, ऐसे 10-0.3 -0.7 -1 के इनटू आईडी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, -V0 इस तरीके से। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा। क्लियर हो गया, तो इसलिए हमने इसको सिंपल करने के लिए सिंपली 3×2=6 कर दी। क्लियर है, कोई भी इसमें डाउट आया हो तो आप इनसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, वैसे नहीं आया होगा, बिल्कुल सिंपल सवाल था। इसके बाद बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। अगेन वही सिंपल सर्किट है, कुछ नहीं है, बस सिंपली एक रेड डायोड लगा दिया गया है, रेड एलईडी लगा दी गई है, और मैंने देखिए रेफरेंस के लिए मेंशन करा हुआ साइड में, रेड एलईडी की जो वैल्यू होती है, कट इन वोल्टेज जो होता है वो होता है 1.8 वोल्ट, ग्रीन एलईडी के लिए होता है 2 वोल्ट। क्लियर हो गया, तो जब ये हमारा एलईडी का सिंबल है, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली वी नॉट से लिखता हूँ, तो 10-0.7 आर रेड के लिए कैसा हो गया, -1.8 -V0=0, तो वी नॉट की वैल्यू कैसी आ गई, 7.5 वोल्ट। क्लियर है, तो ये हो गई हमारी वी नॉट की वैल्यू, दैट इज आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए हमारे पास ये 0.5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे सिलिकॉन लगा दिया। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, डायरेक्टली बच्चा वी नॉट निकालने के लिए क्या करेगा, माइनस ऐसे लिखेगा 0.5 -1 × ID -0.7, और फिर अगेन 1 × इस तरीके से करेगा, है ना, पूरा प्रोसेस इनटू आईडी करेगा, तो फिर अगेन वही क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा। यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे मैंने 0.5 वोल्ट अप्लाई करा है, सिलिकॉन के अक्रॉस डायोड के ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, बट यहाँ तो पहले ही 0.5 अप्लाई है, तो इसका मतलब ये सर्किट कैसी है, ये सर्किट वर्क ही नहीं करेगी, सिंस 1K के बाद भी कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ, और सिलिकॉन के बाद भी ये कहीं ना कहीं पास नहीं हो पा रहा है वोल्टेज। क्लियर है, पूरी जो करंट है वो फ्लो हुआ ही नहीं, इसलिए हमारा जो इसकी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सिलिकॉन का, 0.7 होता है, 0.7-0.5 से बड़ा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पाथ जो है वो क्रॉस हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आईडी क्या है, 0 है, और वीडी भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि कोई भी जब करंट नहीं डेवलप हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। तो अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमने एक बैटरी ली है, उससे सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड है, ये पॉइंट इससे अगेन D2, हमने एक D2 एक दूसरा डायोड कनेक्ट कर दिया, दैट इज सिलिकॉन उसका नाम दे दिया, और उसको भी एक ग्राउंडिंग पॉइंट से तीनों को कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया, अब इसमें हमें VD निकालना है, VD कैसे निकालेंगे, ठीक है, या V0 कह सकते हैं, V0 लिखा हुआ है, वो VD नहीं है, V0 है,
ठीक है। तो देखिए ये सिलिकॉन जो है ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पी के से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन किससे नेगेटिव से, हैंस हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा किस में है, फॉरवर्ड बाइजिंग में, मतलब ये ऑन स्टेट में है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये हमारा ऑफ स्टेट में है। यही को नोटिस करने वाली चीज़ है कि ये ऑफ क्यों है, क्योंकि यहाँ तो कोई बैटरी का सिंबल नहीं है। तो इसका मैंने रीजन लिखा हुआ साइड में, देखिए द डी टू इज रिवर्स बाइज्ड स्लैश ऑफ कंडीशन सिंस पी साइड इज कनेक्टेड टू जीरो वोल्ट। पी साइड किससे कनेक्टेड है, जीरो वोल्ट से कनेक्टेड है, ग्राउंडिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ग्राउंडिंग पॉइंट का मतलब ही होता है कि जीरो वोल्ट है, क्लियर हो गया। तो जब भी कोई भी पी साइड जीरो वोल्ट से कनेक्टेड है, हम मान लेंगे वो कैसी है, रिवर्स बायस कंडीशन में है। और रिवर्स बायस में आपको पता है कि जो हमारा कनेक्शन होता है डायोड के अक्रॉस वो कैसा होता है, ओपन सर्किट, क्लियर है। क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। क्यों हो जाती है ओपन सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसी है, बहुत ज़्यादा, इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट में क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाती है, क्लियर हो गया। तो रिवर्स बायस में ओपन क्यों है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पी एन जंक्शन फॉर्मेशन प्रोसेस में कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हमारी डेप्लेशन लेयर बढ़ जा रही है। डेप्लेशन लेयर क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, इसलिए हमारा इसमें क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें इसमें ओपन सर्किट देखने के लिए मिलती है रिवर्स बायस कंडीशन में, क्लियर हो गया। हैंस ये हमारा ऑफ हो जाएगा। तो वी नॉट की वैल्यू अब सिंपली हम डिटरमाइन करें तो इस वाले पॉइंट के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, ये सीधे, क्योंकि ये बैटरी है, ये डायोड है और वी नॉट है, सिंपल है। तो 10-0.7 माइनस वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 9.3 वोल्ट। रिमेंबर रखने वाली चीज क्या थी कि डी टू जो है वो रिवर्स बायस में है, वो ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि पी साइड किससे कनेक्टेड है, जीरो वोल्ट से। यही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट था थोड़ा सा, क्लियर है। इसके बाद आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसमें क्या है, डिटरमाइन आईडी I1 I2 फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, ये सर्किट दी हुई है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम KVL अप्लाई करेंगे अपनी फर्स्ट लूप में, फर्स्ट लूप नहीं हम इसको I2 वाले लूप नाम देंगे। तो I2 वाले लूप में तो अप्लाई KVL करा, तो +20 -0.7 अगेन दिस विल बी -5.6 के इनटू I2, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या, I2 है, ID नहीं है, I2 है, क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करा तो हमें मिला -18.6 डिवाइड बाय -5.6, माइनस से माइनस कट गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा आंसर आएगा 3.32 मिली एम्पियर। में मिली एम्पियर कैसे आ रहा है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूँ, ठीक है। मिली क्यों आ रहा है, क्योंकि ये किलो में है, तो ऊपर जाएगा 10^-3 हो जाएगा। उसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखते हैं, मिली एम्पियर लिखते हैं 10^-3 एम्पियर को, क्लियर हो गया। तो बस इसलिए I2 आ गया। अच्छा, एक बार अगर I2 आ गया तो I1 भी आ जाएगा। अब देखिए I1 कैसे आएगा, तो I1 देखिए सिंपल है, हमारा एक सर्किट है, तो सिंपली V इक्वल्स टू IR कर देंगे, ठीक है। तो I की वैल्यू कैसे आ जाएगी, V अपॉन R से। तो V की वैल्यू कितनी है, 0.7 वोल्ट के अक्रॉस और अपॉन में 3.3 के। तो अगेन I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.21 मिली एम्पियर। अब ID कैसे निकलेगा, ID देखिए हमारा I2 कैसे है, ऐसे है, I2 ऐसे है, I1 अंदर की तरफ है, तो नेट डायरेक्शन इस तरीके से अगर हम देखें तो ID कैसा है, ID हमारा है नीचे की तरफ और I1 हमारा है कैसे, ऊपर की तरफ। I2 हमारा कैसे है, नीचे की तरफ है। तो ID की वैल्यू कैसे आएगी, I2 माइनस I1 ही तो हो जाएगी ID की वैल्यू। तो हमने ID की वैल्यू कर दिया I2 माइनस I1, दैट इज 3.11 मिली एम्पियर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये सर्किट हमारे पास दी हुई है, इसमें हमें आईडी VD2 VD1 निकालना है। VD1 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1, वोल्टेज अक्रॉस डायोड 2 VD2 है, और ID जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए होगा क्या कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। दूसरा जो सिलिकॉन डायोड है VD2 जो पे जो सिलिकॉन डायोड है वो कैसा है, रिवर्स बायस कंडीशन में। रिवर्स बायस मैंने आपको बताया सर्किट कैसी हो जाती है, ओपन सर्किट हो जाती है। ओपन सर्किट में कैसे कहते हैं, ऑफ हो जाता है। तो ये ऑफ हो गया, ध्यान रखिएगा जब ऑफ होता है ना तो इसका मतलब ये करंट पास करा ही नहीं। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो वोल्ट हो गई। आईडी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। आईडी की वैल्यू जीरो हो गई तो VD1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉमन सी बात है, जीरो हो जाएगी, क्योंकि करंट ही नहीं है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान ले रहे हैं कि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है RF1 है, F1 क्यों बोला, क्योंकि रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस 1, क्लियर है। इंटू आईडी तो होगा भाई, अगर VD1 निकालना है तो R इंटू आई होगा, तो R इंटू आई या I इंटू R होगा, तो I ये लिख दिया आईडी, और RF1 हमने सपोज के लिए कोई रेजिस्टेंस है, तो आईडी ही जब जीरो है तो पूरा VD1 तो वैसे ही जीरो होना है, चाहे RF1 की कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट VD2 के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा हमेशा VD2 पे एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, तो मैक्सिमम ओपन वोल्टेज विल बी डेवलप्ड अक्रॉस व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस, व्हेन इट इज रिवर्स बायस, सॉरी, क्लियर है। रिवर्स बायस में जब होगा तो हमारे पास ऐसी कंडीशन देखने की मिलती है। मान लीजिए मैंने कहा कि इसमें 50 रजिस्टर लगे होते हैं और किसी भी एक रजिस्टर रिवर्स बायस में हम लगा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस जो रिवर्स बायस में लगा है उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। वो अगर 30 वोल्ट होता है 30 वोल्ट उसके अक्रॉस देखने के लिए मिलेगा, 40 वोल्ट होता है तो 40 वोल्ट उसके अक्रॉस देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बट कंसेप्चुअल था कि कहाँ के ऊपर कौन सा वोल्टेज डेवलप हो रहा है, किस पे आईडी कैसा है, VD V0 कैसा है, निकालेंगे कैसे जब रिवर्स बायस में है, क्लियर हो गया।
अब आते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट। आई ये है, ठीक है, हमें आई निकालना है। अब अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूँ तो देखिए ये वाला जो है ये तो पी से पी टू एन था, लेकिन ये वाला रिवर्स बाइजिंग में हो गया। डी टू कैसा हो गया? रिवर्स बाइजिंग में हो गया। रिवर्स बाइजिंग में हो गया मतलब ये वाली जो सर्किट हो जाएगी शॉर्ट हो जाएगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। और जब ये शॉर्ट हो गई तो इसका मतलब इस ब्रांच में तो कुछ करंट आना ही नहीं है, सीधे सीधे इस ब्रांच में ऐसे ऐसे आएगा। तो हम सीधे कह सकते हैं एक सिंपल सर्किट बन गई ये वाली जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, जहाँ मेरा पेन घूम रहा है, ये वाली मेन सर्किट घूम गई। अब मुझे पता है इसमें करंट कैसे निकालना है, सिंपल केवीएल वी आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर कर दो, केवीएल मतलब सिंपली वी इक्वल्स टू आई आर करो, ठीक है। तो वी अपॉन में आर तो 10 आ जाएगा, आर की वैल्यू 1 की हो जाएगी, हैंस आंसर क्या आ जाएगा 10 मिली एम्पियर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं एट्थ क्वेश्चन के ऊपर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी वन वी टू वी नॉट एंड आई डी फॉर द गिवन सर्किट। तो इसमें देखिए ये हमारे पास सर्किट है, इसमें हमें वी नॉट निकालना है, 4.7 के रेजिस्टेंस से सिलिकॉन डायोड है, अगेन 2.2 के, और यहाँ पे ईजेड हमें दिया हुआ है -5 वोल्ट। क्लियर है। अब देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको, तो ये सबसे पहले तो हम पहले इसको करेंगे, ठीक है। तो ये वही सिंपल है कि भाई वी नॉट निकालना है रेजिस्टेंस है, तो आई डी निकलेगा पहले। तो 10 -0.74 के इंटू आई डी, -0.7 -2.2 के इंटू आई डी, लेकिन यहाँ कैसा था, ग्राउंडिंग नहीं है। तो जब ग्राउंडिंग नहीं होता ना और ईजेड की वैल्यू -5 वोल्ट की हो, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इसको इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि ये 2.2 के ऐसे लगा हुआ है, -5 वोल्ट का मतलब है बैटरी कुछ इस तरीके से लगी हुई है कि यहाँ पे जो टर्मिनल इससे कनेक्टेड है वो कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। कैसे टर्मिनल कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अगर यहाँ मैं कर दूँ +5 वोल्ट तो पॉजिटिव वाला ऊपर चले जाएगा, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हैंस अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो सीधी सीधी बात है ये -2.2 के इन टू आई डी हो गया। तो ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हैंस +5 हो जाएगा, तो +5 वोल्ट इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। तो आई डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2.07 mA सॉल्व करने के बाद। क्लियर है। इस तरीके से आप आई डी निकालेंगे, आई डी आ गया, अब आप वी नॉट भी निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कभी भी आपके पास ग्राउंडिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ, ईजेड कुछ इस तरीके से दिया हो, वोल्टेज कुछ इस तरीके से दिया हो इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए आप इस तरीके एक सर्किट बना लो और फिर केवीएल लगा दो। क्लियर हो गया। इस तरीके से जो मैंने ये बनाई है, ठीक है, इस तरीके से सर्किट बना दो। अब इसमें वी वन डिटरमाइन करना है, तो वी वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, आई डी इंटू आर से निकलेगी, भाई आई डी जा रहा है इसमें, आर की वैल्यू ये है सिंपल। और वी टू कैसे निकलेगा, आई डी इंटू ये वाली आर की वैल्यू से। क्लियर हो गया। अब बचा वी नॉट, तो वी नॉट के लिए फिर वही केवीएल लगेगा। तो केवीएल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो ये हो जाएगा +V0 -2.2 के इंटू आई डी, और अगेन ये क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखिए मैंने V1 आपका डिटरमाइन कर दिया आई डी इंटू आर से, V2 मैंने आई डी इंटू आर से डिटरमाइन कर दिया, अभी आपको बता दिया V0, अभी जैसे V0 -2.2 के इंटू आई डी +5 कर दिया, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.45 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन के ऊपर, डिटरमाइन VO1 VO2 आईडी V0 फॉर द गिवन सर्किट। हमारे पास ये गिवन सर्किट है, सिलिकॉन जर्मेनियम दो डायोड्स लगे हुए हैं, इधर VO1 है इधर VO2 वोल्टेज है, हमें डिटरमाइन करना है इसकी वैल्यू, आईडी की भी वैल्यू डिटरमाइन करनी है जो मिडिल ब्रांच में करंट है, और V0 की वैल्यू जो इस वाले जर्मेनियम डायोड के अक्रॉस है। देखिए बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि इस जर्मेनियम डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, 0.3 वोल्ट का, क्योंकि जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। तो V0 की वैल्यू 0.3 वोल्ट हो गई। V02 या VO2 बोलें तो VO2 भी कैसा हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, लेकिन VO1 ये सिलिकॉन डायोड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0.7 का वोल्टेज जो हमें डेवलप रहता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो VO1 VO2 V0 आ गया। अब बचा आईडी, तो आईडी के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा I1 और I2, फिर बाद में हम ऐड कर देंगे, बात एक ही है। तो I1 निकालेंगे, तो I1 कैसे निकलेगा, I1 ऐसे निकलेगा, सिंपल आप नोडल रूल लगाइएगा, 10 माइनस अगर मैं इन दोनों वोल्टेज का माइनस कर दूं, डिवाइड कर दूं 1 के से, तो इसके अक्रॉस मुझे क्या पता लग जाएगा, करंट पता लग जाएगा, भाई V अपॉन RE तो कर रहे हैं, तो 10 माइनस VO1 कितना है 0.7, तो 10 माइनस 0.7 अपॉन में 1 के, तो बस वही मैंने यहाँ पे कर दिया, दैट इज 10 माइनस 0.7 इनटू 1 के आ गया 9.3 mA। हैंस अगेन अब मुझे I2 निकालना है, ये वाली ब्रांच का I2 निकालना है, तो ये कैसे निकालूंगा, अब सिंस मेरी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, डायरेक्शन कैसी ऐसी है, तो मैं करूँगा VO2 माइनस VO1 डिवाइड बाय 0.33 के, इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ये थी इसलिए मैंने ऐसा कराया, नहीं तो मैं अगर डायरेक्शन इस तरफ होती तो मैं VO1 माइनस VO2 अपॉन में 0, तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट बता रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, 1.21 माइनस में, मतलब हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन है वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है, बट कोई बात नहीं, हमारा I2 आ गया, हमें ID चाहिए। अब जो हमने एज्यूम करा हुआ है, तो ID है क्या, I1 और I2 दोनों ही एक तरफ इस तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं आईडी क्या है, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 जब आप करोगे, तो I1 की वैल्यू 9.3, I2 की वैल्यू -1.21, तो नेट करंट किस तरफ आ रहा है, 8.09, जो क्या दिखा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि जो मेरी एज्यूम्ड डायरेक्शन है आईडी की नीचे वाली, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जस्ट रिवर्स किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी, दिखाने के लिए सिर्फ आप दिखाएंगे, बाकी माइनस से या प्लस से कोई भी टचअप नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अपने पिछले न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, बट अगर आपने वो नहीं देखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा है, क्योंकि इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं वो कवर हो गए हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V0 फॉर द गिवन सर्किट, इसके लिए हमें V0 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 20 वोल्ट का ड्रॉप आया, लेकिन ये रेड और ग्रीन में उलझ गया, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन के अक्रॉस और रेड के अक्रॉस, पहले फिलहाल तो ये देखते हैं कि ग्रीन रेड वाला हमारा फॉरवर्ड बाइजिंग में है, ये वाला हमारा रिवर्स बाइजिंग में है, ठीक है, क्योंकि हमारा इसका जो एन है वो कनेक्टेड है
पॉजिटिव के साथ, अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल दूं तो ये इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। हैंस कैसा है, रिवर्स बाइजिंग है, तो ग्रीन एलईडी हमारी रिवर्स बाइजिंग है। रिवर्स बाइजिंग में क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसने ऑफ, ठीक है, ये ऑफ कर सकते हैं। तो बचा क्या है, सिंपली हमें इसके वी नॉट निकालना है, तो 20-1.8 वोल्ट माइनस वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से वी नॉट क्या जाएगा 18.2। बट यहाँ पे अगर रेड और रेड यहाँ पे अगर कोई भी देखिए, अब अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, 11th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा सिलिकॉन और रेड है, बट रेड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, कितना होता है बताइए, 1.8 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के अक्रॉस 0.7 होता है, तो जिसके अक्रॉस कम होगा उसके अक्रॉस ही तो वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। तो 20-0.7 माइनस वी नॉट इस तरीके से निकालेंगे, तो 20-0.7 माइनस वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यों, हेयर बोथ सिलिकॉन एलईडी आर इन फॉरवर्ड बायस, बट सिलिकॉन डायोड विल फर्स्टली कैप्चर 0.7 वोल्ट, पहले कैप्चर करेगा, इसलिए उससे करंट फ्लो करेगा, इसलिए एलईडी जो है वो क्या है हमारी, ऑफ है, रिमेंस ऑफ, या हम कह सकते हैं रिवर्स तो नहीं कहेंगे, हम ये लिखेंगे ऑफ है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19.3 वोल्ट। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है कि डायोड की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो एप्लीकेशंस डायोड की बहुत सारी हैं। पहला है डायोड एक रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल होता है, डायोड को क्लिपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्लैंपर की तरह, पीक डिटेक्टर की तरह, वोल्टेज मल्टीप्लायर की तरह, और एक प्रेसिजन रेक्टिफायर की तरह। इन सब के बारे में आप डीप में आगे पढ़ेंगे, आगे वीडियोज़ में हम लाएंगे, ठीक है, कि डायोड एक रेक्टिफायर की तरह कैसे काम कर रहा है, क्लिपर की तरह, क्लैंपर की तरह, पीक डिटेक्टर की तरह, वोल्टेज मल्टीप्लायर की तरह, और प्रेसिजन रेक्टिफायर की तरह। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, और बाकी कोई भी अगर आपको टॉपिक नहीं आ रहा है आप हमारे प्ले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आता है तो दैट इज़ वेल गुड, नहीं आता है तब आप उससे रेफर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।